और अब अगली आज की बड़ी खबर कोयला घोटाले मामले से जुड़ी है। कोयला घोटाले में सीबीआई का स्पेशल कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगा। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व सचिव समेत तीन अफसरों को दोषी पाया था। इनमें से आपको बता दें, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और पूर्व डायरेक्टर के सी सामरिया शामिल है। ये मामला मध्य प्रदेश के थेसगोरा बी रुद्रपुरी कोल ब्लॉक का है, जिसमें के एसएसपीएल प्राइवेट कंपनी को आवंटन के दौरान भारी पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी। कोर्ट ने इन अफसरों के अलावा के एसएसपीएल कंपनी और इसके एमडी पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी करार दिया था। जब घोटाला सामने आया था तब के एस क्रोफा कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, जबकि सामरिया उस वक्त मंत्रालय में कोल ब्लॉक आवंटन के डायरेक्टर थे। कोर्ट ने पिछले साल ही अक्टूबर में इस मामले में आरोप तय किए थे और कहा था कि पूर्व सचिव एच सी गुप्ता ने इस बारे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा था। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कॉल स्कैम में आज सजा का ऐलान होगा। निगाह टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा सजा को लेकर। एच सी गुप्ता के खिलाफ आपको बता दें, 8 अलग अलग चार्जशीट दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन सभी मामलों के जॉइंट ट्रायल की अपील खारिज कर दी थी और आज सजा का ऐलान संभव है। और इन तमाम अधिकारियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा।